हाथों ने। अब हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। मुख खा तो सकता है, जिभ्या स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। देखा आंखों ने गए पैर, तोड़ा हाथों ने, स्वाद लिया जिभ्या ने, रखा पेट ने। अब पेट ने जब रख लिया तो बाग के माली ने देखा तो डंडे पड़े पीठ पर, डंडे पड़े पीठ पर। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी क्योंकि देखा आंखों ने गए पैर, तोड़ा हाथों ने, स्वाद लिया जिभ्या ने, रखा पेट ने। अब पीठ तो फालतू में ही पिट गई। लेकिन संत और विद्वान कहते हैं कि महाराज जब पीठ पर डंडे पड़े तो आंसू कहां से निकले? आंखों से। और देखा किसने था? आंखों ने। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। बोले महाराज खुद बिक जाऊंगा, पत्नी को बेच दूंगा, पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपका 60 भार सोना अवश्य चुकाऊंगा। बोले पत्नी पे तो नो भरोसा करे बहुत ज्यादा, घर पे पहुंची रानी तारा ने महाराज आते हुए देखा तो घुटनों के बल बैठ गई, अपनी महाराज को पूछने लगी है नाथ क्या बात है, आज आप उदास क्यों हैं? आज आप उदास क्यों हैं? राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, हे देवी कछु मत पूछे क्यों। बोले आज एक महात्मा ने आए कि मेरे पूरे राज्य को ले लियो। अरे नाथ कैसी बातें कर रहे हो, धन और बल कब किसका हो जाए पता ही नहीं, अपने धन और बल पर कभी भी घमंड मत करो, पता नहीं यार आज अपना या कल किसी और का हो जाए। बोले देवी महात्मा ने आए कि राज्य को ले लिया। बोले जाने दो, चला गया तो चला गया। बोले अरे देवी हम जा से परेशान ना है कि राज्य गयो है, हम तो जा से परेशान है कि राज्य गयो वो तो गयो लेकिन जो महात्मा का 60 भार सोना है वो कहां से आए, खुद बिक जाओ हमें बेच दो, पुत्र को बेच दो लेकिन 60 बार सोना अवश्य चुकाओ। पुत्र को एक लंगोटी पहनाई, राजा ने एक फटी वही धोती बांधी, रानी तारा ने स्वयं एक मोटी सी साड़ी बांधी। जब राजा हरिश्चंद्र जन्मभूमि माँ को प्रणाम करते हैं, अरे भैया जब हरिश्चंद्र घर से चले भयो अब तुम्हें सोर, जीव जंतु रोने लगे कूकन लागे मोर। आज जब जन्मभूमि माँ को प्रणाम करता है राजा और बोला मैया